रहीम, आज हम लोग चिकन कुर्मा बनाने जा रहे हैं, देसी स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। तो प्लीज हमारा साथ दीजिएगा, उसके पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल के लिए, ताकि नए नए बेल आइकॉन दबाइएगा, ताकि नए नए रेसिपीज आपको पहले दिख सके एंड आप ला उसे ट्राई कर सके। चलो बिस्मिल्लाह। मैंने इसी में ही, इससे पहले मैंने रेड ऑनियन कर लिए थे, थोड़े से रेडिश कर लिए थे, इतना डार्क रेडिश नहीं किया था, थोड़े से रेड किए थे, क्योंकि मैंने रेड ऑनियन एंड टमाटो, दो टमाटो एंड फोर ऑनियन रेड करके थोड़ा टमाटो उसमें डाल के उसका पेस्ट बना के पहले से रख लिया था। उसी का ऑयल है, उसी का थोड़ा सा रेड होता है ऑनियन बड़ा है। लोग स्पाइसेस डाल रहे हैं, गरम मसाला, गरम मसाला पूरा डालते हैं। ये पहले से ही डाल के थोड़ा सा भूनना चाहिए ताकि स्मेल जो है इसमें अच्छे से आए, खुशबू में, चूरमे में थोड़ा सा स्मेल आना चाहिए। और जावित्री भी डाली है तो चूरमे में थोड़ा सा अच्छा स्मेल आ जाए। ये देसी स्टाइल कुर्मा है, इसमें नारियल नहीं पड़ेगा। टू टी स्पून उसमें अदरक कर रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से स्मेल अदरक की चल जाए जब तक भूनेंगे। एंड ये हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, इसमें ऑनियन पहले नहीं पड़ा है, मैंने थोड़ा सा रेडिश करके ऑनियन डाल लिया था क्योंकि इसमें अच्छे से पेस्ट बने। देखिए इस तरह स्मेल आने के बाद चिकन लगभग आधे से थोड़ा, आधे केजी से थोड़ा कम है, आधा ही समझ लीजिए ऑफ के लिए। अच्छे से फ्राई होने दीजिए, इसका जो चिकन का पानी रहता है वो ही मसाले में निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी मसाले डाल देंगे आप तो इसका जो स्मेल रहता है चिकन का फिर आप मसाले में या सालन में आ जाएगा। तो इसलिए पहले अच्छे से भून लीजिएगा, जो कुछ भी है चिकन का जो है ना पानी सब सब हो जाए, स्मेल भी चला जाए। मसाला नहीं डाला हमने, सिर्फ चिकन भुना है, इस तरह से जो चिकन का तेल है और इसका तेल है ऐसा छूटता है, उसमें से 1 टीस्पून आप नमक डाल दीजिएगा। घर के मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, भुना हुआ जीरा पाउडर, फिर 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, पैटाटोस डाल दीजिएगा अगर आपको चाहे तो, मैं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग पसंद आ रहे। मिलाइए, हर एक जो मसाला शेरवा है अच्छे से इसके अंदर रस हो जाएगा। ये मैंने 4 ऑनियन की डली ली थी, इतनी बड़ी बड़ी वाली सी, उसको थोड़ा सा पिंकिश किया है, पिंकिश या थोड़ा सा ब्राउन, उतना ब्राउन नहीं करना चाहिए वरना ये मसाला जो है ब्राउन या काला हो जाएगा इसमें जाने के बाद, थोड़ा सा रेडिश किया था मैंने। और 4 प्याज के लिए 1.5 टमाटो लिया है बस, इसको बारीक पीस लेने के बाद हम
लोग डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला जो के लिए अच्छे से मिक्स हो जाए। कलर देखिएगा माशाल्लाह, इसमें मैंने कलर ऐड ही नहीं किया है। मेरा जो रेड चिली पाउडर है वो बहुत डार्क होता है, इसलिए इसमें मैंने 1 कप उतना कर्ड लिया है। कर्ड थोड़ा सा गाढ़ा रहना चाहिए, पानी वाला नहीं, गाढ़ा दही लिया मैंने। तो अभी इसमें डाल देती हूँ मैं। कर्ड डालने के बाद अच्छे से मिलाइएगा, वरना कर्ड फूटने का डर रहता है। स्लो मत कीजिएगा, फ्लेम स्लो करने से कर्ड अभी और भी फूट जाता है। फिर फटाफट आप जल्दी से मिला दीजिएगा। ये लौंग है, कुछ और नहीं। देखिएगा कर्ड थोड़ी भी नहीं दिख रही है, कर्ड है बोल के। अभी स्टेज में आप 2 ग्लास उतना पानी डालिएगा, जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना पानी डालिएगा। डाल के थोड़ा हम लोग दम पे रख देंगे, फाइनल स्टेज है ये। मैंने और थोड़ा सा डाला है, 1 ग्लास उतना। अच्छे से पकने दीजिएगा। जब ये पक जाएगा 10-15 मिनट्स के बाद थोड़ा सा दम पे दे दीजिएगा। दम जब मैं दम पे दूंगी आपको दिखाऊंगी। देखिए लास्ट स्टेज है, दम भी हो चुका था। 5 मिनट्स मैंने दम रखा था। इसका तेल जब छूट जाएगा बाजू तो अच्छे से पक चुका है ये। अभी मैं डिश आउट करूंगी। थोड़ा सा कोथिमीर अच्छे से डालिएगा, थोड़ा सा डालिए, नॉट मोर। एंड ये मैंने चॉप थोड़ा सा बारीक स्लाइस किया हुआ अदरक डाला है, क्योंकि अदरक जब बीच में आता है खाने के तो बहुत अच्छा दिखता है। भी आप ही के सामने मैं डिश आउट कर रही हूँ। हमारे रही, ये हमारा सालन बनके रेडी हो चुका है, चिकन आलू कुर्मा स्टाइल। लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ सके। थैंक यू मेरी डिश देखने के लिए।